सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। कैनेडा आने वाले वो यात्री आज तो जहाज या रेल गड्डे विच सवार नहीं हो सकेंगे जिन्होंने कोरोना टीके नहीं लवाए। हुण ज्यादातर लोगों लिए इकल्ले सिर्फ कोरोना टेस्ट की नैगेटिव रिपोर्ट ही काफ़ी नहीं होएगी। इस विचकार एयर कैनेडा और बेस्ट जेट ने कहा है कि वह अपनी फ्लाइट्स में सवार होने वाले हर व्यक्ति तो कोरोना टीका लगे होने का सबूत मंगणगे। ये पॉलिसी 30 अक्टूबर तो लागू हो गई सी, पर उदो ट्रूडो सरकार ने टीके नहीं लवा सके लोगों को छोट दी सी कि वह यात्रा तो पहला 72 घंटिया अंदर दी नैगेटिव रिपोर्ट दिखा सकते सन। कैनेडा सरकार ने ओमिक्रॉन की वजह नाल इस सख्त नियम लागू किए हैं। ओमिक्रॉन की वजह नाल कैनेडा के बॉर्डर से सख्ती नाल जांच बढ़ा दी गई। इस दे नाल ही कई होर देश सरहदां बंद भी कर रहे हैं। विश्व सेहत संगठन अनुसार ओमिक्रॉन नाल संबंधित जोखम बहुत ज़्यादा है, पर अजे भी बहुत सारे जनतक सेहत अधिकारी ते विज्ञानी इस बारे चंगी तरह नहीं जानते। कैनेडा ने कोरोना वायरस के नवे वेरियंट ओमिक्रॉन नूं लैके चिंतावां दे विचकार 3 होर देशों के नागरिकां ते पाबंदी का ऐलान किया। कैनेडा उन्हां सारे विदेशी नागरिकां ते पाबंदी लगा रहा है जो हाल ही विच नाइजीरिया, मलावी ते मिसर गए सन। कैनेडा ने इस तों पहलां दक्षणी अफ्रीका के 7 देशों तो आने वाले लोगों ते पाबंदी का ऐलान किया। कैनेडा की चीफ पब्लिक हैल्थ अफसर डॉक्टर थेरेसा टैन ने दसिया कि कैनेडा में ओमिक्रॉन के सारे केस नाइजीरिया तो आए हैं जिथे टीकाकरण की दर घट है। सेहत मंत्री जीन जॉफ वेस डुक्लोस ने दसिया कि अमेरिका तो इलावा देश में जहाज राही आने वाले सारे यात्रियों हवाई अड्डे पर पहुंचने से कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा और टेस्ट के नतीजे आने तक उन्होंने एकांतवास में रहना होगा। ओंटारियो सूबे में एतवार को ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया सी। क्यूबेक में सोमवार को इसका पहला केस सामने आया। ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा सूबे में भी इसके पहले केसों की पुष्टि हुई है। इस संक्रमित ने नाइजीरिया की यात्रा की थी। अल्बर्टा की चीफ मेडिकल हेल्थ अफसर डॉक्टर दीना हिंसा ने दसा है कि अल्बर्टा में संक्रमित पाया गया व्यक्ति नीदरलैंड से लंघिया सी अते उस विच लाग दे कोई लक्षण नहीं हैं। सेहत मंत्री डुक्लोस ने कहा कि कैनेडा तो बाहरले यात्रियों को अजे भी पी डिप्रोचर कोविड-19 टेस्ट करवाने की लड़ है जिसले भुगतान यात्रियों को करना होगा। जे तुसी टेस्ट कराने हो तो थानू ही भुगतान करना होगा। कनेडा सरकार अमेरिका तो कनेडा आने वाले हवाई यात्रियों के आगमन से चैकअप के खर्चे का भुगतान करेगी। टैम ने कहा कि नाइजीरिया मिसर तो लोगों के आने तो बाद कोविड-19 के मामले बढ़े ने।